सीट बेल्ट क्यों लगाई हुई है? सीट बेल्ट सेफ्टी वास्ते, सेफ्टी वास्ते चलान से बचने के लिए, चलान से भी बचने है, सेफ्टी भी है। सेफ्टी के लिए लगाने दी हो और आप क्या सोए हुए हो, अगर बेल्ट होगी तो आपको प्रोटेक्शन होगी। लेकिन आप ये बताइए क्या आप सेफ हैं? सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते पीछे बैठ के? तो वो भी तो आपकी सेफ्टी करती है, पीछे भी तो जरूरी है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट निकालने का है, उसको निकाल के उसी में आपकी सेफ्टी है। जब भी आप पीछे बैठते हैं वहाँ लगाइए आप, लगाओ लगाओ लगा लो, लगाने में कोई आप सुरक्षित है। अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका बचाव है। तो आप भी ध्यान रखिए जब सवारी पीछे बैठती है, आपने बोल रहा है कि आप सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है? सवारी जरूर लगाई, क्यों नहीं लगाई? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ध्यान रखें अपनी सेफ्टी के लिए, अपना भी और पीछे वाली सवारी, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो मैम आप भी ध्यान रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बाय। सेकंड लाइट आपने कैसे इसको प्रेस करिए, शाबाश आप करिए, प्रेस प्रेस करिए, इसको प्रेस करेंगे। देखिए 3 से 4 सेकंड के बाद ये लाइट आपके लिए ग्रीन हो जाएगी और व्हीकल्स के लिए रेड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जैपरा क्रॉसिंग को यूज करते हुए पहले आपने देखना है कि 100 से 200 मीटर के उसमें डिस्टेंस में ट्रैफिक नहीं आ रहा। आप यहाँ पे चलेंगे, जैपरा क्रॉसिंग को यूज करते पहले राइट हैंड करेंगे, ऐसे करिए शाबाश, राइट हैंड करें, इससे ट्रैफिक रुक जाता है, उसको पता लगता है कि पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट इशारा करिए, आप सड़क क्रॉस करेंगे जैपरा क्रॉसिंग को यूज करते हुए। और वाहन चालक भी ध्यान देंगे, यदि कोई भी पैदल यात्री सड़क क्रॉस करता है तो आप पूरी तरह से रुकिए, जब वो सड़क क्रॉस कर लेता है तब आप चलेंगे। आपकी लाइट यदि ग्रीन भी हो जाती है और पैदल यात्री सड़क पे है तो पहले उसको जाने दें, फिर आप चलिए, चलिए साबर। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो साइकिल ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर पैदल यात्री जो है साइकिल ट्रैक को यूज करते हैं। आप फुटपाथ पर चलिए, ये साइकिल ट्रैक को खाली रखिए ताकि साइकिलिस्ट आराम से चल सके, और सभी ट्रैफिक नियमों की पालना करें, आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद। जब भी आप रोड पे चलते हैं आपने लेन सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि लेन सिस्टम को जब हम फॉलो नहीं करते तो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता है, रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये करीब चौक से 200 मीटर पीछे 150 मीटर पीछे एरो के निशान लगाए गए हैं। आप जिस भी जंक्शन पर पहुंचते हैं उससे करीब 200 मीटर पीछे से लेन सिस्टम को फॉलो करना शुरू, कि जहां भी जिस भी लेन में आपने आगे जाना है, जैसे देखिए मान लो आपने या तो राइट मुड़ना है या यू टर्न लेना है, तो आप यहां पे रहेंगे, इस लेन में रहेंगे। जिसने सीधा जाना है या राइट लेना है वो बीच वाली लेन में रहेगा। जो व्यक्ति लेफ्ट में जाएगा वो हमेशा सीधा जाएगा, और जब स्लिप रोड होता है स्लिप रोड से आगे आप चले जाते हैं, ध्यान रखिए हमेशा ये बात। जब स्लिप रोड से आगे आप निकल जाते हैं तो आप लेफ्ट नहीं मुड़ेंगे, या सीधे जाएंगे या पूरा राउंड अबाउट होंगे फिर जाएंगे आप। देखिए यहाँ पर एक येलो लेन लगी हुई है, आपको दिखाई भी लगी होगी, इस येलो लेन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ओनली कमर्शियल व्हीकल चलेंगे, ये ध्यान रखिए आप। आपने ध्यान रखना है यही एरो राउंड अबाउट के ऊपर भी लगे हुए हैं, वहां भी आपने ऐसे ही लेन सिस्टम को फॉलो करना है। जिसने राइट जाना है या यू टर्न लेना है वो यहाँ पे डिवाइडर के साथ साथ रहेगा, जिसने सीधा जाना है या राइट मुड़ना है वो बीच में रहेगा, जिसने सीधा जाना है वो लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में वही व्हीकल जाएगा जो कमर्शियल व्हीकल इस मंडी में आप शॉपिंग करने आ रहे हैं, आप भी ध्यान देंगे। और ये मंडी वाले जो आपके केले हैं खीरा है ये सब्जी आपने लगाई है, फुटपाथ को नहीं लगाना, कोई भी फुटपाथ बिल्कुल क्लियर रखना है। पैदल यात्री कहाँ चलेगा यदि आप यहाँ पे केले सब्जी लगाएंगे, और ये आप ही ये मशीन यहाँ नहीं लगानी आपने, इसको अंदर लगाओ, फुटपाथ को खाली रखो। फुटपाथ पे आप ये सामान ये सब्जी लगाएंगे तो पैदल यात्री कहाँ चलेगा बताइए भाई साहब, कहाँ चलेगा? इसको अंदर लगाइए, उस इसको खाली कर दो सारे को। फुटपाथ सभी ध्यान देंगे, सभी जितने भी आप ये मंडी वाले हैं यहाँ पे आपने फुटपाथ पे कोई भी सामान नहीं रखना, और कोई भी यहाँ पे फ्रूट की रेडी वगैरह कुछ नहीं लगानी आपने, इसको अंदर लगाना है, खाली रखें फुटपाथ को ताकि पैदल यात्री आसानी से फुटपाथ पे चल सके। यदि आप इस पे सामान रखते हैं तो पैदल यात्री सड़क पे चलता है उसका एक्सीडेंट होता है। इसी तरह से जो कस्टमर आप यहाँ मंडी में शॉपिंग करने आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी सड़क के देखो पीछे गाड़ी खड़ी है, ऐसे गाड़ियां सड़क के किनारे पे खड़ी करते हैं, उससे सड़क पे जाम भी लगता है और एक्सीडेंट भी होता है। इसलिए अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लाएं, और ये मंडी में जो भी आप सामान है ये भी अंदर लगाएंगे, फुटपाथ को भी रखेंगे। आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों का भी ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद। देखिए ये व्यक्ति जो भी यहाँ से रोड क्रॉस करके पीजीआई जाते हैं या पीजीआई की तरफ से इधर आते हैं, आप सबसे पहले जब भी मैम आप खड़े होंगे फुटपाथ पे खड़े हुई है आप,
फुटपाथ पे खड़े होकर राइट देखें, लेफ्ट देखें, उसके बाद फिर राइट देखें। जब व्हीकल की दूरी करीब 200 मीटर है तो आपने क्या करना है, फिर राइट हैंड, ये राइट हैंड ऐसे खड़ा करना, आ जाइए आप ऐसे खड़े करके, ठीक है। जब आप आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं यानी कि डिवाइडर पे, फिर आपने लेफ्ट साइड देखना है, यहाँ पे व्हीकल की दूरी करीब 200 मीटर होनी चाहिए और उसके बाद आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड उठाना है, ऐसे लेफ्ट हैंड उठाते हुए उधर देखते हुए आपने सीधे रोड क्रॉस करना है और चलते हुए रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखें ये बात। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप चलते हुए इस्तेमाल करते हैं आपके ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिससे आपका एक्सीडेंट होता है। थैंक यू, जय हिंद। ये आप सभी ध्यान देंगे, यातायात के नियमों के तहत जब भी आप गाड़ी में सफर करते हैं ड्राइवर को पैसेंजर व जो पिछली सीट पे बैठे हैं सभी सीट बेल्ट लगाएंगे, पीछे वाले सीट पे जो बाएं साइड बैठे हैं वे बाएं साइड बैठे हैं, उन दोनों के लिए ये वाली सीट बेल्ट का प्रावधान है और जो व्यक्ति बीच में बैठता है उसके लिए ये वाली सीट बेल्ट का प्रावधान है। अपनी सेफ्टी के लिए सभी सीट बेल्ट लगाएंगे। जब भी आप गाड़ी में सीट कवर डलवाते हैं ये ध्यान रखें सीट बेल्ट व लॉकिंग सिस्टम ओपन रखेंगे। इसको यहाँ से रोड क्रॉस करके जाते हैं, कहीं भी आपने रोड क्रॉस करना है सबसे पहले आप फुटपाथ पर खड़े होंगे, उसके बाद राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। जब राइट करीब 200 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक है तो आप अपना हाथ उठाएंगे, आइए मेरे साथ राइट वाला हाथ उठाएं सभी ऐसे। जब हाथ उठाते हैं तो अगले को पता लगता है आपने रोड क्रॉस करना है और रुक जाएगा। जब आप आइसलैंड पे आते हैं यानी कि डिवाइडर पे आते हैं फिर आपने लेफ्ट देखना है, लेफ्ट हैंड फिर उठाना है, यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे जब ट्रैफिक हो तो आइए मेरे साथ ऐसे उठाइए हाथ, ऐसे उठा के आपने रोड क्रॉस करना है। और ये सभी व्हीकल वाले भी ध्यान दें, जब भी कहीं भी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपको दिखाई देती है, रोड साइन दिखाई देता है, तो आपने वहीं पे अपने व्हीकल की स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे नीचे कर लेना है। और ये बस वाले भी सभी ध्यान दें, सवारियों को अंदर साइड में उतारे, कोई भी मेन रोड पे नहीं उतारेगा। दूसरी बात, ये पैदल जो भी रोड क्रॉस करते हैं ध्यान दें आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखें इस चीज का। जब भी आप पैदल रोड क्रॉस करते हैं या रोड पे चलते हैं तो हमने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू, जय हिंद।